आज हम बात करने वाले हैं पेप्टाइड के लिए। सो पेप्टाइड से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखे रहिएगा, जिस पे कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेप्टाइड का ये मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है ना, तो बीच में बनता है एक पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनता है भैया? एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब एक जो है वाटर मॉलिक्यूल H2O जो होता है वो रिमूव होता है। वन वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ से रिमूव होके पाया जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार कि कोई भी पेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड क्या होता है कि वो लीनियर या सर्कुलर दोनों हो सकता है। पेप्टाइड कैन बी लीनियर और सर्कुलर। पेप्टाइड जो है लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। सो दिस लाइक पेप्टाइड कैन बी लीनियर और सर्कुलर। जो होता है पेप्टाइड जो है आपका लीनियर और सर्कुलर दोनों पाए जा सकते हैं। अब देखने की कोशिश करेगा कि किसी भी अमीनो एसिड में एक तरफ जो होता है वो होता है इधर O और ये होता है OH और यहाँ पर होता है N, इसके साथ एक होता है H और इसके साथ होता है एक H और ये होता है C, यहाँ पे लाइक दिस वन COOH, यहाँ से जुड़ेगा C, ये हो गए NH2। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है कि वो आपका इस तरीके के कुछ फॉर्म्स दिख रहे होंगे जहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये है H और इधर R हो जाएगा, कोई भी अमीनो एसिड जो भी बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये है अमीनो एसिड वन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अमीनो एसिड वन, इसको क्या बोलेंगे अमीनो एसिड टू। दो अलग अलग अमीनो एसिड जो है हमारे पास पाए जा रहे हैं। अब इनमें ये देखिएगा OH ग्रुप और ये है H ग्रुप। अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हो तो बताइए जरा सा कि अगर थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हो बोर्डबक इंसान, तो ये जो है OH और ये है H, ये अल्टीमेटली बिन मिलके क्या बना लेगा, मिलके बना लेगा H2O, ये मिलके बना लेगा H2O। जब ये H2O मिलके बना लेगा तो H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद ये जो CO था और ये था NH, ये एक बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ बाकी के जो कंपाउंड्स है वो तो आगे रहेंगे, उनके ऊपर बात ही नहीं कर रहा मैं। इन पे जो ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, यही जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम दूसरे नाम दैट इज अमाइड बॉन्ड से भी बोलते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर बॉन्ड में अमाइड ग्रुप पाया जाता है, दैट इज CONH। ठीक है, ये जो होता है CONH2, ये आपका इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज ये बॉन्ड कभी फुदक के इधर तो कभी फुदक के इधर, तो इसी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। और ये जो होते हैं इसी पेप्टाइड बॉन्ड के अगेंस्ट जो होता है कि कुछ रोटेशंस वगैरह भी पॉसिबल होते हैं। जो रोटेशंस इससे पॉसिबल होता है वी से इट एज अ ओमेगा। N और C अल्फा, जैसे ये C अल्फा, ये C अल्फा है बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ C अल्फा था, ये भी है C अल्फा। N और C अल्फा के बीच में जो रोटेशन पाया जाता है वी से इट लाइक ये होता है फाई, क्या बोलते हैं फाई। एंड CC अल्फा जो होता है वो होता है साई। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, उनको मैं याद दिला दूं, सी एंड सी अल्फा प्रोनंसिएशन इज समथिंग सी, स जैसा आ रहा है, इसी वजह से साई, दैट शुड बी, इसको लिखते हैं PSI और डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये साई हो गया तो NC अल्फा तो भैया क्या होगा, फाई ही होगा ना, PHI। ठीक है, नाउ अगेन जब ये हो गया तो आपका N क्या होगा, दिस N इंटू सी, CO और NH के बीच में जो होगा, CO और NH के बीच में जो होगा ये होगा ओमेगा। फाई और साई के लिए 0 से लेके 180 डिग्री के रोटेशंस पॉसिबल होते हैं,
पूरा पूरा प्लस माइनस 180 डिग्री। लेकिन फॉर द ओमेगा दिस इज ओमेगा सिंबल, ओमेगा के लिए आइदर 0 और 180, या तो 0 या तो 180 डिग्री होता है। दिस पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड अगर आप देख रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, दैट डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। एनर्जी की जरूरत लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, मतलब एंडरगोनिक प्रोसेस है। कैसा है ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। कितनी एनर्जी लगती है? प्लस 21 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है, येस और नो? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पोलराइज्ड होता है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल जनरली आपके बॉन्ड लेंथ 1.3 एंगस्ट्रॉम के आसपास पाया जाता है, और इसमें सिस और ट्रांस का पोजिशन आता है। वॉट इज सिस एंड ट्रांस पोजिशन? सीयर देखो, जब सी ओ और एन एच का पोजिशन अपोजिट साइड हो तो दिस शुड बी ट्रांस वन, एंड जब सी ओ और एन एच का पोजिशन सेम साइड में हो तो ये हो जाएगा आपका सिस वन। ये आपको क्या करना था, यहाँ पे चेक करना था कि ये सी ओ और एन एच के पोजिशन की क्या चीज़ है। अगर सी ओ और एन एच अपोजिट साइड में थे और यहाँ पे सी ओ और एन एच सेम साइड में थे, ठीक है, नॉर्मली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस, दैट 1000:1 टाइम्स में होता है। लेकिन कहीं कहीं जगहों को, कहीं पेप्टाइड पे, जिस पेप्टाइड बॉन्ड पे अगर प्रोलीन पेप्टाइड है उसमें कोई भी प्रोलीन, जैसे अगर सी ओ एन एच पे एक्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर प्रोलीन है तो दोनों सिस और ट्रांस नियरली इक्वल आ जाते हैं। क्या बोला मैंने? अगर कोई इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड है, इस पे अगर कोई भी प्रोलीन ग्रुप जुड़ा है इस साइड या उस साइड, दोनों तरफ अगर कोई भी प्रोलीन ग्रुप जुड़ा है तो दिस शुड बी सिस एंड ट्रांस, जो पहले 1:1000 के रेशियो में थे 1:4 के इक्वल आ जाते हैं, यानी नियरली इक्वल का केस बनता है, नियरली इक्वल का केस बनता है। नाउ इसके अलावा कुछ कुछ आपके पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन ट्राई पेप्टाइड एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्पैरेटेम आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है, जो कि आपके स्पैरेटिक एसिड और फिनाइल एलिनिन को लेके बना रहता है। तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड का पंगा। पेप्टाइड बॉन्ड में फाई और साई के बीच में रोटेशंस के लिए रामाचंद्र प्लॉट को लेके गए थे, लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेशंस में मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी लीनियर पेप्टाइड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है इस तरीके से, मान लीजिए इसमें एक अमीनो एसिड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5th है, इस तरीके का केस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5th है। पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? दैट रोमन में लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4। अगर कोई भी पेप्टाइड लीनियर है तो पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू दैट n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इस पर्टिकुलर पेप्टाइड को क्या बोलोगे, टेट्रा पेप्टाइड या पेंटा पेप्टाइड? ध्यान रखने की कोशिश करना कि पेप्टाइड जो बोला जाता है वो बोला जाता है उसके नाम पे, अमीनो एसिड के नंबर पे, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड पे। नोमेनक्लेचर जो होता है, दैट नोमेनक्लेचर किस पे होता है भैया? नोमेनक्लेचर होता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड पे। मतलब अगर 2 है तो इट शुड बी डाई, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड 5 है तो विल से इट एज अ पेंटा पेप्टाइड। ये क्या है? लीनियर है, पेंटा है। इसी के साथ 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो होते पेप्टाइड इस तरीके से चलते रहते हैं नॉर्मली। अब लीनियर पेप्टाइड जो है, पेंटा पेप्टाइड यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। जितना ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतना ही H2O भी तो रिमूव होगा ना, दैट शुड बी H2O रिमूव भी n-1 के बराबर ही होगा लीनियर के केस में, लीनियर पेप्टाइड के केस में उसी के बराबर होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं सर्कुलर, यही चीज़ सर्कुलर पे देखिएगा, यहाँ पे व्हेन इट इज सर्कुलर वन,
अगेन पेंटापेप्टाइड है, देखिए पांच अमीनो एसिड, 1, 2, 3, 4, 5 पेप्टाइड बॉन्ड, जरा देखिए दिस इज लाइक 1, 2, 3, 4, 5 यानी इस पर्टिकुलर केस में जो होता है कि आपका नंबर जो है वो n के बराबर हो जाएगा, चाहे n इज द पेप्टाइड बॉन्ड, और उतना ही H2O भी रिमूव होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कि यहाँ पे सर्कुलर हो रहा है, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है मॉलिकुलर वेट के लिए। सी, नॉर्मली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अमीनो एसिड, एक होता है अमीनो एसिड रेजिड्यू। दोनों टर्म में डिफरेंस होता है। अमीनो एसिड जो होता है इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है नॉर्मली माना जाता है 128 डाल्टन एवरेज, ठीक है, इट्स एवरेज। किसी भी अमीनो एसिड का जो है मॉलिकुलर वेट अलग हो सकता है, किसी भी मॉलिकुलर वेट अलग हो सकता है। रेजिड्यू ये होता है जब प्रेजेंट इन प्रोटीन, जब ये प्रोटीन में प्रेजेंट हो या पेप्टाइड में प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं अमीनो एसिड रेजिड्यू। इसका मॉलिकुलर वेट होता है 110, बिकॉज इससे -18 जो कि वो H2O का मॉलिकुलर वेट जैसा आपको पता हो तो ये 18 पे आ जाता है, इसी वजह से 18 माइनस करके 110 आ जाता है। नाउ अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में ध्यान देने की कोशिश करना, वो लीनियर सर्कुलर, लीनियर सर्कुलर के लिए एक फॉर्मूला है, यूज़ करेंगे तो ईजिली आप किसी भी मॉलिकुलर वेट को कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट सर्कुलर पेप्टाइड के लिए अगर हम बात करें, देखना सर्कुलर पेप्टाइड हो जाता है दैट एन, दैट मॉलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड माइनस 18, एंड हियर एन इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड। एन क्या है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड है। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सर्कुलर और लीनियर का पूरा पंगा जो है यही चलेगा। सर्कुलर के लिए जो था वो आपका n आ रहा था और लीनियर के लिए आ रहा था n-1, ठीक है। तो यही सर्कुलर पेप्टाइड के लिए आपका n रखना था, और फॉर अगर लीनियर पेप्टाइड है तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा n-1 मॉलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड माइनस 18। बस यही करना है, कितना अमीनो एसिड है और एक सिंगल अमीनो एसिड का मॉलिकुलर वेट कितना है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक अमीनो एसिड का मॉलिकुलर वेट कुछ दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो क्या मानोगे? 128। इसके साथ कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया, आपसे बोला जा रहा है कि अमीनो एसिड का नंबर जो है वो 100 है, दिस इज द नंबर, व्हाट शुड बी द मॉलिकुलर वेट? मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? अगर सर्कुलर लीनियर कुछ नहीं दिया तो क्या कंसीडर करोगे? सर्कुलर। क्या कंसीडर करोगे भैया? सर्कुलर कंसीडर करोगे, लीनियर नहीं। बाय डिफॉल्ट सर्कुलर, एंड उसके साथ मॉलिकुलर वेट क्या करोगे? 110 या 100। तो इसमें क्या करेंगे? n रखेंगे, नंबर दिया है 100, ठीक है, 128 ये मॉलिकुलर वेट जनरल होता है, माइनस आप करेंगे 18 जो अल्टीमेटली 110 आ जाता था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, दैट 11,000, इसको बोल दोगे 11 किलो डाल्टन, हो गया सीधा। इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, ईजिली लेके जा सकते हो, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो कि कैसे मॉलिकुलर वेट है। लीनियर के लिए क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे 100 से -99 कर दोगे, 18 माइनस कर दोगे, वो लीनियर का केस हो जाएगा। सो दिस इज द केस जो आपके चीज़ें चलेंगी। n माइनस 1 का केस रहे, 99 इंटू दिस वन, इस तरीके से चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। एक पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा तो दिस केसेस यहाँ पे जो हो जाएंगे कि अलग अलग जो होगा वो पूरा का पूरा केस जो होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लीनियर के केस में मॉलिकुलर वेट अगर एक कम वाटर हो रहा है तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, दिट शुड बी n+1, यहाँ पे n+1 होगा, नॉट n-1। 18 ज़्यादा कर लोगे आपका केस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे कैलकुलेट कर सकते हो कई सारी चीज़ें, लेट मी, लाइक अलग अलग पंगे जो होते हैं वो चलते रहते हैं।